हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। टुडे वी विल लर्न अबाउट दशहरा। आज हम दशहरा के बारे में सुनते हैं। उसके पहले हम गॉड को याद करते हैं। जॉइन योर हैंड, क्लोज योर आइज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। इस वर्ष 2020 में दशहरा 25 अक्टूबर 2020 दिन रविवार को मनाया जाएगा। भारत में कई ऐसे त्यौहार मनाए जाते हैं जो आपको बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जो इस बात को चिंतित करता है वो है दशहरा। यह दिवाली से 2 सप्ताह पहले मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा या विजयादशमी देश भर में अश्विन के महीने के उज्जवल पखवाड़े में 10वें दिन मनाया जाता है। दशहरा अश्विन के महीने के 10वें दिन हिंदू चंद्रमा कैलेंडर के अनुसार मनाया जाता है। दशहरा प्रमुख हिंदू त्योहारों में से एक है। यह मनाया जाता है क्योंकि श्री राम ने 9 दिनों की लड़ाई के बाद दानव राजा रावण को मार डाला और रावण की कैद से अपनी पत्नी देवी सीता को मुक्त करा लिया। इन दिन देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर को मार डाला और इसलिए ये आज भी विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। लोग प्रार्थना करते हैं और आज भी देवी दुर्गा से आशीर्वाद मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने देवी दुर्गा की शक्ति के लिए प्रार्थना की थी। भगवान राम जिन 108 कमल से प्रार्थना कर रहे थे उसमें से एक कमल हटा दिया जिसके साथ वह प्रार्थना कर रहे थे। जब श्री राम उनकी प्रार्थनाओं के अंत तक पहुँचे और महसूस किया कि एक कमल गायब था तो उन्होंने अपनी आँखों को काटना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी आँखें कमल का प्रतिनिधित्व करती है और उनके लिए एक और नाम कमलानयन है। अपनी प्रार्थना पूरी करने के लिए, जिससे देवी उनकी भक्ति से प्रसन्न थी और रावण पर उन्हें विजय दी। और बच्चों, क्या आपको पता है रावण पर विजय पाने के लिए पहले खुद राम बनना पड़ता है। इस बार रावण का पुतला तो जलाते हैं लेकिन अंदर से पोषित करते हैं। वो तो सतयुग था जिसमें केवल एक रावण था जिस पर भगवान राम ने विजय प्राप्त की। यह तो कलयुग है जिसमें हर घर में रावण है। इतने रावण पर विजय प्राप्त करना मुश्किल है। विजयादशमी बहुत ही शुभ और ऐतिहासिक पर्व है। लोगों को इस दिन अपने अंदर के रावण पर विजय प्राप्त कर हर्षोल्लास से के साथ यह पर्व मनाना चाहिए। जिस प्रकार एक अहंकार का नाश करने के लिए एक दीपक ही काफ़ी होता है, वैसे ही अपने अंदर के रावण के नाश करने के लिए एक सोच ही काफ़ी है। ना जाने कई सालों सदियों से पूरे देश में रावण का पुतला हर साल जलाकर दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। अगर रावण की मृत्यु सालों पहले हो गई थी तो फिर वो आज भी हमारे बीच जीवित कैसे है? आज तो कई रावण हैं। उस रावण के 10 सिर थे लेकिन हर सिर का एक ही चेहरा था, जबकि आज के रावण का सिर एक ही है पर चेहरे अनेक हैं। चेहरों पर चेहरे हैं जो नकाबों के पीछे छिपे हैं। इसलिए इनको ख़त्म करने के लिए साल में एक दिन काफ़ी नहीं है। इन्हें रोज मारना हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना होगा। उस रावण को प्रभु श्री राम ने धनुष से मारा था। आज हम सभी को राम बनकर उसे संस्कारों से और ज्ञान से मारना होगा। तो बच्चों, इसी प्रकार हमें भी हमारे अंदर के रावण को ख़त्म करना होगा। ओके,
सबको हैप्पी दशहरा।